मैथ्स पार्ट वन चैप्टर नंबर थ्री पॉलिनोमियल्स प्रैक्टिस सेट 3.1। आसान आसान है, आपको मैं एक एक चीज़ सिखा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। क्वेश्चन नंबर वन, स्टेट वेदर द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसको क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको ऐसा कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसको क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। आर पॉलिनोमियल्स और नॉट जस्टिफाइड? आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और आपको बताना है कि वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। सो मैं आपको बता देता हूँ, पॉलिनोमियल के लिए जो ऑर्डर होता है ना, ये जो आपका ये वेरिएबल है अल्फ़ाबेट, इसके यहाँ पे जो ऑर्डर रहता है ना ऑर्डर, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी 1, 2, 3 या फिर उसके आगे। वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए और वो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो पॉलिनोमियल हमेशा कैसा होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर, यानी 1, 2, 3 एंड सो ऑन। वो नेगेटिव नहीं हो सकता, हाँ 0 होगा तो भी चलेगा, लेकिन नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता और फ्रैक्शन नहीं हो सकता। लेट्स सॉल्व द फर्स्ट वन, y+1/y, ठीक है। सो आंसर, ये क्वेश्चन का वैसे लिख लिया, ये जो y है इसको y लिखा, प्लस साइन था उसको प्लस लिखा। याद है आपने लास्ट ईयर 8th स्टैंडर्ड में किया था, 1/y को आप y^-1 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे y के पावर कौन है? प्लस वन, कुछ नहीं है, मतलब प्लस वन है यहाँ पे, जहाँ पे मैं आपको पेन से दिखा रहा हूँ। इसको जब मैं ऊपर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? वो y^-1। समझ में आ गया? सो 1/y को क्या लिखा है? y^-1। अभी आपका देखो, इसका पावर क्या है? नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर। मुझे क्या चाहिए था? पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे पॉजिटिव है, कुछ भी नहीं है, मतलब वन है। यहाँ पे पावर क्या है? नेगेटिव, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। दिस इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज पावर इज नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव है, मुझे पॉजिटिव चाहिए, ओके okay? इसलिए ये आंसर, मतलब पॉलिनोमियल आपका नहीं है। वैसे ही सेकेंड वन, 2-5√x, ठीक है। सो इसको वैसे का वैसे क्वेश्चन लिख दिया, इक्वल टू, 2 को वैसे का वैसे लिखेंगे, माइनस को वैसे का वैसे लिखेंगे, 5 को वैसे का वैसे लिखा। अभी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो है, इसको मैं x^1/2 लिख सकता हूँ, यस, स्क्वायर रूट को, क्योंकि यहाँ पे इसका जो ऑर्डर है वो 2 है, सो उसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ। अगर क्यूब रूट होता, 3 होता तो क्या लिखते हैं? 1/3। 4 होता तो 1/4, ठीक है। सो इसको ऑर्डर देखो, ये अल्फाबेट है जो वेरिएबल जिसको आप कहते हो, इसको ऑर्डर देखो, फ्रैक्शन आ गया, पॉजिटिव नंबर नहीं है, फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन 1/2, ठीक है। सो ये नहीं चलेगा, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज पावर इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर नहीं है, मतलब 1, 2, 3 ऐसा नहीं है, ये फ्रैक्शन में दिखा रहा है। सो अगर फ्रैक्शन में है और नेगेटिव नंबर है तो वो नहीं पॉलिनोमियल नहीं है वो, ओके। नेक्स्ट वन, x^2+7x+9, x का पावर क्या है? +2, ये पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे x के जो पावर है वो कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? +1, सो 2, 1 विच इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए ये क्या है आपका? पॉलिनोमियल। दिस इज पॉलिनोमियल बिकॉज पावर इज पॉजिटिव इंटीजर। 2m^-2+7m-5, यहाँ पे m का पावर क्या है? -2, मतलब नेगेटिव इंटीजर है जो नहीं चलेगा। यहाँ पे m का पावर क्या है? कुछ भी नहीं है, मतलब क्या होता है? +1। ये भले ही +1 हो, लेकिन ये तो -2 है ना पावर इसका। सो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज पावर इज नेगेटिव इंटीजर, आपको रीजन लिखना पड़ेगा। 10, इट इज पॉलिनोमियल। आप बताओ, आप पूछोगे कैसे? मैं आपको आंसर बताता हूँ। मैं 10x को, यहाँ पे आप देखना ये रफ वर्क है, मैं 10 को मैं 10^1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 × 1 = 10, ठीक है। फिर ये 10 को वैसे का वैसे लिख दिया, ये 1 को मैं x^0 लिख सकता हूँ, यस, क्योंकि x^0 कितना होता है? 1। कोई भी चीज़ का अगर पावर 0 है, मतलब x^0, आपने लास्ट ईयर पढ़ा रहेगा इंडाइसिस में, लॉज ऑफ इंडाइसिस में, x^0 क्या होता है? 1। तो ये कितना हो गया कुल मिला के? 10x^0, मतलब ये जो 10 है
इसको मैं 10x रेस टू 0 लिख सकता हूँ, यस, x का पावर क्या है 0। मैंने कहा था वीडियो शुरू होते ही कि 0 अगर रहेगा पावर तो भी चलेगा, अगर पावर होना चाहिए मतलब 0 होना चाहिए या फिर पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, 0 होना चाहिए नहीं तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, 1, 2, 3, 4 ऐसा। सो सर है तो इट इज अ पॉलिनोमियल, समझ में आ गया। अब 10 पॉलिनोमियल क्यों है मैंने आपको उसका एक्सप्लेन कर दिया है, समझ में आ गया, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड वेरी इजी, राइट द कोएफिशिएंट। स्टूडेंट्स कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एम क्यूब इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आपको नीचे कुछ पॉलिनोमियल दिए गए हैं उसका कोएफिशिएंट बताना है, कोएफिशिएंट ऑफ एम क्यूब मतलब नीचे क्वेश्चन देखने का, एम क्यूब के आगे जो भी नंबर रहेगा उसको कहते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है। जैसा फर्स्ट वन देखो एम क्यूब लिखा है, एम क्यूब के आगे कुछ भी नंबर नहीं है मतलब क्या है 1, एम क्यूब के आगे यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है मतलब क्या है 1। सो आंसर क्या लिखेंगे, द कोएफिशिएंट इज 1। यहाँ पे देखो -3/2 प्लस एम माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एम क्यूब, मुझे किसका कोएफिशिएंट चाहिए एम क्यूब का, तो इसमें एम क्यूब यहाँ पे उसका कोएफिशिएंट मतलब उसके पहले कौन है -√3, सिर्फ रूट 3 मत बोलना स्टूडेंट्स, माइनस भी है उसका, माइनस भी है ठीक है। सो एम क्यूब का कोएफिशिएंट कौन है -√3, समझ में आ गया, देख रहे हो। थर्ड वन एक इक्वेशन इक्वेशन नहीं सॉरी पॉलिनोमियल दिया है आपको, इसमें एम क्यूब का कोएफिशिएंट कौन है, एम क्यूब का है ढूंढो, एम क्यूब ये है उसके आगे कौन है -2/3 इज द कोएफिशिएंट, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से सुनना इसको, राइट द पॉलिनोमियल इन एक्स। आपको एक्स से एक्स की मदद से पॉलिनोमियल बनाना है यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। अब स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल बहुत टाइप्स के होते हैं, पहला है मोनोमियल, मोनो मतलब 1 जिसमें सिर्फ एक ही होगा, बाइनोमियल, बाय मतलब 2, ट्राइनोमियल, ट्राई यानी 3, ठीक है। सबको मोनोमियल लिखना है हैविंग डिग्री 7, डिग्री मतलब पावर, डिग्री मतलब पावर। सो एक्स में बोला है आपने एक्स लिख दिया और डिग्री कितना है मतलब पावर कितना है 7, ये एक ही है ना कुल मिला के एक्स रेस टू 7, ये एक ही है ना, इसको कहते हैं मोनोमियल। सो आपने एक्स लिख दिया और डिग्री कितना होना चाहिए 7, तो आपका मोनोमियल बन गया। बाइनोमियल में क्या होता है ऐसे दो दो अलग अलग दिया रहता है, बीच में आप प्लस भी डाल सकते हो बीच में माइनस भी डाल सकते हो, जैसे ये एक था तो मोनोमियल है, यहाँ पे दिस माइनस दिस ये दो बाइनोमियल है। अब इसको कैसे किया मैं बताता हूँ, बाइनोमियल हैविंग डिग्री 35, आपको एक्स में चाहिए था सो एक्स रेस टू 35 लिख दिया, ठीक है, माइनस एक्स रेस टू 5, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, माइनस एक्स रेस टू 7 प्लस एक्स रेस टू 3 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन वो एक्स होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी क्यों ले सकते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए बाइनोमियल मतलब दो दो होना चाहिए, पहला तो आपको फिक्स रहेगा एक्स रेस टू 35 वो तो फिक्स रहेगा, यहाँ पे सेकेंड में आप कुछ भी लिख सकते हो माइनस एक्स रेस टू 5 प्लस एक्स रेस टू 10 आप कुछ भी लिख सकते हो, मुझे बस बाइनोमियल से मतलब है। वैसे ही आप करते हैं ट्राइनोमियल मतलब 3 वाला हैविंग डिग्री 8, तो सबसे पहले क्या करेंगे क्वेश्चन में एक्स दिया है सो एक्स रेस टू 8 है ना। अब ट्राइनोमियल मतलब 3 चीज होना चाहिए, 1, 2, 3 आपका एक्स रेस टू 8 आपने लिख दिया, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो प्लस 5x क्यूब माइनस 7 या माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 कुछ भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन जो पहला है x रेस टू 35 x रेस टू 8 वो सही होना चाहिए, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। सो ये है एक मोनोमियल, ये दो है बाइनोमियल, ये 3 है ट्राइनोमियल, ऊपर से आप साइन भी कुछ भी डाल सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस डालना है माइनस डालना है वो आपके ऊपर है। दिस इज मोनोमियल, दिस इज बाइनोमियल, दिस इज 1, 2, 3 ट्राइनोमियल, समझ में आ गया। सो कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज पिंग मी, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, नो प्रॉब्लम। इसके आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे अगले वीडियो में, ओके?